राज और सिमरन की लव स्टोरी भी यही सेम ट्रैक पे आई। चेन्नई एक्सप्रेस को कैसे भूल सकते हैं, राहुल और मीनम्मा की खट्टी मीठी नोकझोंक भी यही ट्रेन में शुरू हुई। तो कितना अजीब कनेक्शन है ना, ट्रेन में सफर एंड देन फॉलिंग इन लव विद द ग्रीनेस्ट फ्लैग। इन्हीं मूवीज से हम जैसे आम लोगों की बकेट लिस्ट पे ट्रिप टू मनाली विद फ्रेंड्स प्रायोरिटी पे आ गया। आदित्य मिल जाएगा, बनी मिल जाएगा, ऐसी कभी ना पूरी होने वाली ख्वाहिशें पाल ली। ट्रिप टू मनाली फिलहाल तो नहीं, पर शादी इन कोटा जरूर। माय कजिन्स वेडिंग वाज हैपनिंग इन कोटा। भाभी और भैया का रिलेशनशिप 7 से 8 साल का है। उनकी मुलाकात ट्रेन में तो नहीं हुई है, पर उनका इतना लंबा प्यारा सा रिलेशनशिप वाज फाइनली टेकिंग अ न्यू टर्न इन देयर लाइफ। मैं ट्रेन में चढ़ी तो यही सोच के थी कि आई गेट टू मीट माय राज नहीं तो राहुल ही सही, बट ऐसा नहीं हुआ। फैमिली के साथ गई थी, बाबा अम्मा भी गए थे। एज एक्सपेक्टेड बाबा अपने बैग में ताश जरूर लाए थे, एक नहीं बल्कि दो दो जोड़ी, सबका ध्यान रखते हुए। ट्रेन में बैठते ही बोले, बच्चों आओ पत्ते जमाते हैं। सामने वाली सीट पर बैठी मेरी अम्मा बोली, मौसी से बोली, मतलब मेरी अम्मा की बहन, उनको बोली, ट्रेन में भी ताश खेलने लग गए और कोई काम ही नहीं है इन्हें। वी वर लाइक हेयर इट गोज। ये अम्मा बाबा की ना खट्टी मीठी नोक जो से दिल को सुकून और मन को शांति मिली। अम्मा मुंह बना के जरूर बोल रही थी, बाबा चलाकी उनकी बात को अनसुना जरूर कर रहे थे, पर दोनों मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। आखिर लड़ाई में भी तो प्यार है। बॉलीवुड की मूवीज जैसा प्यार तो नहीं, पर उससे भी अच्छा, उससे भी खास प्यारी कहानी है मेरी अम्मा बाबा की। होने में उनकी लव मैरिज तो नहीं है, पर अरेंज मैरिज है, और ये मैं रोज देखती हूँ, कोई नई बात नहीं है। अम्मा बोलती है, बाबा सुनते हैं बिना कोई सवाल जवाब किए, इट्स हिज वे टू शो केयर टू हिज लेडी लव। तो मैं कह सकती हूँ ट्रेन में साथ सफर करना वॉज नॉट अ बैड आइडिया, बट खैर गम है इस बात का कि ना ही राज मिला, ना आदित्य मिला, ना बनी मिला। थैंक यू सो मच। एंड गाइज यू कैन फॉलो मी ऑन यूट्यूब, लाइक आई हैव माई यूट्यूब चैनल, इट्स माई स्टोरीज बाय शैली, वहाँ पर मेरी प्रोफाइल फोटो दिख जाएगी आपको, डू फॉलो दैट। थैंक यू सो मच।